Are you ready to play this round? Yes. Yes. Can you do it? Yes. All right, सबसे पहला सवाल, Petronas किस मुल्क की सबसे बड़ी गैस और ऑयल की कंपनी है? मलेशिया. करेक्ट. जाइम झंडा देखकर बताएं कौन से मुल्क का झंडा है? पुर्तगाल. करेक्ट. असद, अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन किसने लड़ा था? फातिमा जिन्ना. मोहतरमा फातिमा जिन्ना. करेक्ट. निस्मा, शहीद बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. करेक्ट. उमर, तस्वीर देखकर मशहूर शायर का नाम बताइए. मिर्ज़ा ग़ालिब. करेक्ट. फराज, यहाँ जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा वोट होंगे वही इलिमिनेट होगा. इलिमिनेशन की स्पेलिंग बता सकते हैं? ELIMINATION. करेक्ट. ज़ैन, दुनिया का सबसे मशहूर तरीन खेल कौन सा है? सॉकर. फुटबॉल. करेक्ट. असद, आवाज सुनकर शख्सियत का नाम बताइए. ओ शाम सवेरे रुसियां खुशी. अताउल्ला खान. करेक्ट. निस्मा, पाकिस्तान में किस शहर को खूबसूरती का शहर कहा जाता है? इस्लामाबाद. करेक्ट. उमर, Bank. एक लड़की और उसके 5 दोस्त एक अम्ब्रेला के नीचे होते हैं मगर इसमें से कोई भी गीला नहीं होता, क्यों? पास. क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी. फराज, किस मुल्क ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 जीता था? फ्रांस. करेक्ट. जैम, चाहे बच्चे हो या बड़े, चॉकलेट हर एक शख्स को पसंद है, क्या आप बता सकते हैं चॉकलेट किस सीड से बनती है? काकाओ सीड. करेक्ट. असद, Bank. कौन सा मुल्क इस वक्त यूरेनियम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है? कजाकिस्तान. करेक्ट. निस्मा, पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है? दरियाए रावी. करेक्ट. उमर, अगर एक नंबर का 40% होता है तो 100% कितना होगा? 100. बिल्कुल सही जवाब. में आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म. यहाँ वक्त हुआ है वोट करने का, यानी वक्त हुआ है इलिमिनेशन का. प्लीज स्टार्ट वोटिंग नाउ. ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही. बैंक ज्यादा करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी. उमर आसान सवाल के आंसर नहीं दे सके. अब देखना यह है कौन है वो शख्स जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं होगा. फराज, किसका नाम लिया है? उमर. क्यों? मैम, वो राउंड इम्पोर्टेंट था और हमें इसमें काफ़ी सारी रकम जमा करनी थी क्योंकि हम काफ़ी लॉसेस कर चुके हैं, लेकिन उनके गलत आंसर की वजह से वो सारा जो है ना हमारी चेन टूट रही है. बट मैं उससे पहले बैंक कर चुका था. ये भी है. आपका टोटल अमाउंट सेव कर चुका था मैं. नहीं, लेकिन आप चेन तोड़ चुके थे. हमें सवालों के सही जवाब देने थे ताकि हम बड़ी से बड़ी अमाउंट की तरफ जाएं कंटिन्यू करें. लेकिन आप बार-बार बैंक करते थे ना. मैंने बार-बार बैंक करते हो तो हमें जाहिर सी बात है हम लगातार जवाब देते जाएंगे. सेकंड उमर, आपसे सवाल कौन सा पूछा गया था? मेरे ख्याल से कोई आसान सा सवाल था जो आपको नहीं आया था. उमर, 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 सवाल क्या था? बारिश. एक लड़की और उसके 5 दोस्त एक छतरी के नीचे खड़े होते हैं लेकिन वो गीले नहीं होते, क्यों? क्योंकि उमर को जवाब नहीं आता. पास. सही कह रहा है. इतना आसान सवाल. अच्छा, इतना आसान सवाल. सबको मैंने हर एक सवाल की वैल्यू बताई थी कि हर एक सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो कितने रुपए का होगा, लेकिन ये सारी बातें करेंगे बाद में. इस वक्त मुझे आप तमाम लोगों से वो नाम चाहिए. आपने कहा उमर. जहीम, आप क्या कहते हैं? फराज. आपने फराज को वोट आउट किया. असद ने किसको वोट आउट किया है? फराज. फिर से फराज. निस्मा. फराज. ओ गॉड, ये क्या हो गया फराज? मैं उससे ले लो, उसने भी किया होगा. उमर. मेरा तो अंदाजा होगा कि मेरा एलिमिनेट किसको क्या होगा. मुझे तो पता है क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन ऑडियंस अंदाजा मुश्किल है. असद. क्यों? तुम फर्स्ट राउंड से मेरे पीछे पड़े हो. हालांकि मैंने एक दफा भी नाम नहीं लिया तुम्हारा. शायद एक दफा शायद लिया हो, पर तुम मेरे फर्स्ट राउंड से तुम मेरे पीछे हो. मेरा नाम देखे जी, वो कहते हैं ना जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता. तो यहाँ कौन है जाने वाला? फराज. फराज, राउंड 6 तक आकर अच्छा खेलकर बड़ी बड़ी बातें करके तुम जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा. क्योंकि अभी एलिमिनेशन स्टार्ट हुई नहीं थी कि आपने पिन पॉइंट करना शुरू कर दिया किसने अच्छा नहीं किया, किसने अच्छा नहीं किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये नहीं किया. अंदाजा था कि आपके खिलाफ वोट्स हो जाएंगे.
मैम था, कुछ कुछ था, मैंने पहले से कहा है दो टीमें चल रही हैं और इनमें से भी लगता है कोई उधर पास हो गया, लेकिन खैर वोट ऑफ गुस्सा है। सोते हुए भी ना आप यही सोचते रहिएगा उमर निस्मा टीम अप कर रहे थे। नहीं सोने का मेरे पास इतना टाइम नहीं सोचने का, बस मैं समझ गया जो सोच रहे हैं। कहते हैं ना मैम साइलेंस इज द की टू सक्सेस, अगर ये चुप रहते उस वक्त भी तो शायद इनके साथ ये टारगेट ना होते आज। तो आपको ऐसा लगता है इनको टारगेट किया गया है? मैम देखिए इस जगह पे देखिए मैं इनको नहीं वोट आउट करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है क्या कि मैं किसी को भी वोट आउट ना करूँ, तो ये मजबूरी है, मेरा कोई ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। ऑलराइट, लेकिन ये बात भी हमें समझने की जरूरत है कि इस गेम का फॉर्मेट ही ये है, तो किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा खेलेगा, जो स्ट्रांग खेलेगा वो आगे जाएगा, और जो ज़रा सा भी कमज़ोर होगा वो नज़रों में आ जाएगा। और फराज आपके साथ भी यही हुआ, आप नज़रों में आ गए, लेकिन क्योंकि ये गेम का फॉर्मेट है आप राउंड सिक्स से राउंड सेवन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। आखिरी खिलाड़ी कौन में, यही था आपका आखिरी राउंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू। अंदर की सियासत शायद समझने में थोड़ा टाइम लगा रहा था, लेकिन समझ आ गई थी फाइनली, और जब मैंने बोलना शुरू किया तो वोट मेरे अगेंस्ट पड़े। एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मतीरा, आखिरी खिलाड़ी कौन। दैट्स द कैच। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।